चंद चीज़ा ने जिन इंसान कंट्रोल करना चाहिए है। दूसरे जो कुरबानी के लुवाजमात ने वह भी अल्लाह की रजा वास्ते होने चाहिए तो अल्लाह वास्ते होने चाहिए। मदरसे के तालिब इल्म तुम्हें पता है अक्सर सारे रेडी, एक बच्चा जो कहता मैं नहीं जाना तो गोश्त आएगा तो वह खाई। बंद नहीं होंगे भाई चलो रज बुज के गोश्त खा लै सा भी जोड़ा असी लोग जोड़ा अपने फ्रिजा में स्टाक कर लेंगे हाँ ये तो सारे पता ही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, के हाल चाल है, ठीक हो? उम्मीद करना सारे दोस्त खैरियत नाल होंगे। दोस्तों आज दी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि साढ़े जितने भी हजरात बड़े माशाला बहुत खुशी होंगी है, बड़े जोशो खरोश न लोग कुरबानी करते हैं तो माशाला साढ़े पाकिस्तान में बड़ा वसी एहतमाम किया जाता कुरबानी के लिहाज न। चंद छोटिया चीज़ा ने सन इन भी गौर करना चाहिए कि आया कि यह चीज़ा जीडिया साढ़े अंदर न इन्होंने खत्म किया जा सकता है या कि मसलन तुम इन्हें और उलझे जा रहे हो। मसलन इन चीज़ा सन कंट्रोल करना चाहिए, चंद चीज़ा ने जिन सन कंट्रोल करना चाहिए वो ये न कि अगे भी मैं तुम दस है मेरी अगे वीडियो है इस मौजू पर मैं बनाई सी कुरबानी के मौजू पर के कुरबानी के गोश्त और गरीब लोगों के उत्ते के मकसद साडा कुरबानी करने का यही होंगे कि अल्लाह की रजा वास्ते अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने वास्ते तो कोशिश ये करो, कोशिश करो कि इहदे विच कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिहड़ा तुहाडा अमाल जाया करे। ठीक है, जिस टाइम तुसीं कुरबानी अल्लाह की रजा वास्ते करते हो पे तो फिर दूसरे जो कुरबानी के लुवाजमात ने वह भी अल्लाह की रजा वास्ते होने चाहिए तो अल्लाह वास्ते होने चाहिए, ना कि वो रिश्तेदारियाँ तो दोस्तियाँ पालो। तो गल करने का मकसद यह है मतलब वीडियो बनाना क्यों जहन च आया, एक बंदा गल सुना रहा सी कहिंदा कि मदरसे के तालिब इल्म तुहानू पता है अक्सर ईद उल अज़हा के मौके पर या ईद के मौके पर अक्सर अपने अपने घर में जाते हैं, बड़ी बड़ी दूरों लोग आए होंगे मदरसे में हिफ्स करने वास्ते ते बच्चे वगैरह जाते हैं वापस अपने घर में। तो आलमे दीन जड़े ने जड़े मसलन एक आलम होंगे जिन्हों को हिफ्स कर रहे होंगे, कारी तुसी कह लो कारी साहब को जिन्होंने हिफ्स कर रहे होंगे वो अपना जो इंतजामिया का कोई मैंबर होंगे उन कहते हैं कि बच्चा सारे ने कहो तुसी ईद ते चले जाओ तो जिहड़ियां खालां वगैरह उन्हां दा कोई तुसी ज़हन च ना रखो वा खालां कौन मसलन कलैक्ट करेगा तो कौन अरेंज वगैरह या जो भी लुवाजमात नूं पूरे कौन करेगा वो तुसी टेंशन ना लो तुसी जाओ। लो जी वो गया सारा उस तके दे वो कहिंदा बच्चे सारे रेडी, एक बच्चा जिहड़ा वो कहिंदा मैं नहीं जाना। तो कारी साहब उन्हें कहा पुछो उन्हें क्यों नहीं तू जाना, के वजह है? सारे जाते हैं किराए का मसला है, किराया लै लै क्यों नहीं तू जाना? तो बच्चे को जिस टाइम जाके पूछा गया दसो तुसी क्यों नहीं जाना चाहते, तो बच्चे ने कहा कि मेरी वालदा ने मैनू ये कह कि पुत्र मदरसे दे विच कुरबानी का गोश्त होना है, उत्थे लोगों कुरबानी करनी है तो तू उत्थे रहो तो गोश्त आएगा तू वो खाई। तो बस मकसद गल करने का यह है कि वह बच्चे ने माँ बाप ने यही कह कि तू उत्थे रहीं ताकि रज के गोश्त खा सके ना। कुरबानी के लुवाजमात के हिसाब ना तुसी वेख लो, जिस टाइम तुसी एक गरीब मुस्तहिक लोगों ने मसलन ख्याल नहीं करना तो फिर उस कुरबानी तुसी जी अपने घर मसलन जिस आम तुसी हकीकियां ते या उंज तुसी किसी खुशी के मौके पर बकरा वगैरह ज़िबा करते हो या कोई जेड़ी भी तुसी मसलन जानवर ज़िबा करते हो अपने घर अपनी जरूरियात वास्ते सेम उसी तरह हो जाता है जेकर तुसी किसी गरीब मुस्तहिक लोगों का इस कुरबानी के हिस्सा नहीं रखते। ठीक हो गया, कोशिश ये करो कि चीज़ा ठीक है तुसी मसलन गोश्त वगैरह इधर उधर दो दुआ हर बंदे दो देना चाहिए भी है तो ज़्यादा यार उन्होंने लोगों का ख्याल करो जिन्हें मसलन पूरे साल में गोश्त नहीं खाद्या हुंदा। ठीक है, उन्होंने लोगों का ख्याल करो, तुसी आम तुहाडे घर कोई नानकियां वालों आ गया कोई दादकियां वालों आ गया एन जी आउंदे रहिंदे ने तुसी कभी 2 किलो आ रहे जी अज 4 किलो आ रहे अज 5 किलो मटन आ रहा है। ठीक है, तो मसलन वड्डी ईद आउंदी है, वड्डी ईद ते गरीब बंदे ने यही हुंदा वे चलो रज बुज के गोश्त खा लै सा ते 4 दिहाड़े सौखे लाग जा संदे ते वह भी जिहड़ा असी लोग जिहड़ा अपने फ्रिजा में स्टाक कर लैंदे आ इह ते सारे नूं पता ही है ते वह भी गरीब लोग जिहड़े ने वह भी तलियां मलदे रह जांदे ने ते इस वजह तो जिहड़ा ना
थोड़ा जहा ख्याल करो उन्होंने लोगों दो जिन्हें पूरे साल को नहीं खाधा। तुम तो मसलन कल कोई आ जाना तुम जाकर तो कसाई को करा के लै आना, दूजे चौथे दिहाड़े पंजे दिहाड़े मेहमान आते जाते हैं तुम करवा के लै आ जाओ। तो गरीब बंदे का ख्याल करो जिस पूरा साल नहीं खाधा, तो उन्होंने बड़ी खुशी होती है गोश्त खा के। तो मैं भी ये आना कि सन सारे मसलन इस चीज़ पर थोड़ा वो कह देना कि काम करना पौना है, इस चीज़ पर थोड़ा चेंज करना पौना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं उम्मीद है एक बंदे भी इस तरह किया ना तो साडा निज़ाम ठीक हो जाए। सीधा देखो देखी देखो देखी साढ़े भाई सारे करते हैं तो अल्लाह ताला सारा नाम ही नसर होवे। तो वीडियो सही लगे तो शेयर करो, कोई गलती हुई तो माफ़ करो, तो बाकी फी मान लिया।